आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, ये हमारा जो कॉकरेल का मुर्गा है आज ये 70 दिन का हो रहा है। तो इस 70 दिन में टोटल अभी तक कितनी लागत लगी है, और यदि हम मुर्गे को अभी सेल करते हैं, अभी के जो रेट में सेल करते हैं, तो कितना मुनाफा होएगा, बच्चे ने कितना दाना खाया, कितनी मेडिसिन लगी है, अभी क्या रेट चल रहे हैं, सब कुछ बताऊँगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है। जो भी भाई चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आज ये मुर्गा 70 दिन का हो चुका है हमारा। आज 30 तारीख दोस्तों, और 30 तारीख आज मतलब हमारा मुर्गा 70 दिन का हो चुका है। इसकी मैं वेट की बात करूं, इसका वेट आ चुका है 900 ग्राम एवरेज। कुछ मुर्गा 1 केजी का है, लेकिन दोस्तों हमारा एवरेज वेट आ चुका है मुर्गे का भी 900 ग्राम, और 900 ग्राम में हमारा मुर्गा सेल करना हमने स्टार्ट कर दिए। अभी तक टोटल बच्चे ने दाना की बात करूँ मैं, एक बेग का वजन रहता है 50 केजी, तो 50 केजी की जो बेग रहती है उसमें बच्चे ने दाना खाया है दोस्तों 95 बेग, जिसमें से एक बेग की कीमत है हमारी 1850 रुपये, क्योंकि हम फ्री स्टार्टरी दाना खिला रहे हैं बच्चे को, हाई क्वालिटी का स्टार्टर भी नहीं खिला रहे हैं, ना ही फिनिशर खिला रहे हैं, ओनली फ्री स्टार्टरी खिला रहे हैं। जो फर्स्ट नंबर का दाना रहता है वही दाना चला रहे हैं, कि ताकि बच्चे का वेट जल्दी से जल्दी आए। तो 95 बैग दोस्तों जाना लग चुका है बच्चे को, और एक बैग की कीमत है 1850 रुपये। टोटल दाना का बजट होता है 1,75,750 रुपये का, आप कैलकुलेटर करके देख लेना, 1,75,750 रुपये का दाना की लागत, और मेडिसन प्लस बच्चा दोनों का दोस्तों मैं जोड़ूँ मैं दोनों का तो होता है ऐसा 20,000 रुपये का खर्चा। टोटल लागत की बात करूँ मैं 1,95,000 की लागत। अगर दोस्तों खर्चा में जोड़ लेते हैं छिलका हो गया, बिजली बिल, ये सब मिला के 2,00,000 रुपये की लागत अभी तक लग चुकी है बच्चे को पालने में, 900 ग्राम साइज करने में। 2000 बच्चे की लॉट थी, जिसमें से 200 बच्चे की मॉलिटी हो चुकी है। अब बात करते हैं कि अभी रेट क्या चल रहा है। अभी दोस्तों रेट चल रहा है 194 रुपये। यदि मैं मुर्गे को 175 में भी बेचूं दोस्तों, 9 माइनस में या 10 माइनस में, तो मुझे मुनाफा हो रहा है 80 से 90 हज़ार का। ये कैसे समझते हैं, देखिए दोस्तों लागत लग चुकी है टोटल अभी तक हमको कितनी, 2,00,000 रुपये की लागत लग चुकी है। और दोस्तों हमारे पास माल अभी 2000 बच्चे में से समझ लीजिए कि 200 बच्चा मर चुका है। यदि 1800 बच्चे भी अपने पास दोस्तों भी कायम निकलता है, यदि मैं 900 × 1800 करूँ तो दोस्तों टोटल मतलब वेट होता है 16 कुंटल के लगभग माल होता है अपने पास, जो दोस्तों 175 के रेट से होता है 2,80,000 से 85,000 के बीच में दोस्तों इसका मतलब बजट हो रहा है। तो हमें 70 दिन में 2000 बच्चे की फार्मिंग करने में 80,000 का मुनाफा हो रहा है। लेकिन दोस्तों 80,000 मैं एवरेज लेके चल रहा हूँ, माइनस नहीं होएगा दोस्तों, मुझे पता है ये प्लस ही होएगा। उसका रीज़न ये क्या है कि जो अभी हमारा मुर्गा है इसका दोस्तों वेट आ रहा है 900 ग्राम, लेकिन जो कुछ मुर्गे हैं दोस्तों ये बड़े मुर्गे भी हैं, छोटे मुर्गे तो आपको नहीं मिलेंगे। औसतम मैं आपको बता रहा हूँ 900 ग्राम हर एक बच्चे का साइज आ चुका है। अब दोस्तों इतनी बड़ी लाट में यदि 10-20 बच्चा 800 ग्राम का भी निकले तो वो कोई मायना नहीं रहता। हमें 80 से 85 हज़ार के बीच में मुनाफा होएगा, ये कन्फर्म है 70 दिन में दोस्तों। लेकिन अभी क्या हो रहा है, मार्केट में 900 ग्राम के मुर्गे की डिमांड नहीं है, मार्केट में डिमांड चल रही है 1 केजी से 1100 ग्राम के बीच की। तो मुर्गे को अगर दोस्तों अभी एक सप्ताह वेट करना पड़ेगा, अभी तक हमारा मुर्गा आराम से दोस्तों 950 आ जाता, गर्मी के वजह से बच्चे का जो वेट है नहीं आ रहा है। ये दोस्तों अभी जितने भी पोल्ट्री फार्मर अपने भाई है सबके साथ यही प्रॉब्लम है। तो आप जितना हो सके फार्म को ठंडा रखें। और किसी भाई ने मुझे कमेंट करा था कि यदि हम फार्म में अभी चिक्स डालते हैं तो जो हमारा मुर्गा फंसेगा वो सावन में फंसेगा। देखिए दोस्तों मुर्गा यदि आप अभी डालते हो तो ऐसा मेरा मानना है कि आपका मुर्गा सावन के बाद निकलेगा। बच्चे को आराम से लाना है, क्योंकि सावन के बाद दोस्तों सेल अच्छे एकदम से उड़ता है, सेल आराम से आपका मुर्गा बिकेगा और अच्छे खासा रेट में बिकेगा। तो ये थी आज की छोटी सी जानकारी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आई होगी। तो जो भी भाई चैनल में नए थे यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।